लग रहे 8 बजे एक प्रोग्राम था वहां चले गए। शास्त्री जी ने सबसे अपील करी भाई यहाँ रुक जाओ, या कमी हमारे किसानों में है कि वहां नहीं रुके। इन्होंने आशंका शाम भी जताई थी कि हमारे साथ रात को गड़बड़ कर सके, पर हमें क्या है कहने लगा नहीं घर चल के सोवेंगे। थोड़ा सा तो इस बात पर ध्यान रखो कि भाई जहाँ धरना चल रहा धरना स्थल पर रुको। दूसरी बात, कल सुबह गौरव टिकैत जी आए थे धरने में, हम भी थे, हमने कल जो है पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन कर दिया था। निर्णय तो होगा यहाँ की कमेटी का और हम हर तरीके से तन मन धन से साथ है सभी किसान भाइयों के। जो ये रात घटना हुई इसे शासन प्रशासन को इतनी हिम्मत करनी नहीं थी। अगर इसमें इतनी हिम्मत है, शामली के शासन प्रशासन में इतनी हिम्मत है, तो पुलिस फोर्स लेकर जाओ और उस मिल मालिक को लाओ पकड़ के, यहाँ किसानों के बीच में दो इनका बजट। जब माननीय कप्तान में इंडियन में कुछ दम है, ये किसानों का हल्ला कर दिखा दूंगा तो इनका मुंडी बन जाएगी। भाई डीएम साहब कान खोल कर सुन लियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। चौधरी जयवीर सिंह जी, संजीव शास्त्री जी और सभी किसान भाइयों, भाई कल का घटनाक्रम तो सबके संज्ञान में होगा। प्रशासन की नीयत ठीक नहीं थी, किसानों को संघर्ष करना पड़ा, आखिरी में रात 2 बजे जाकर जीत मिली। परमिशन दे दी भाई आप अंदर बैठ जाओ। हमारी पहली शर्त यही थी पहले अंदर बैठेंगे और उससे बाद में जो है वार्ता चलेगी। रात को कोई वार्ता नहीं चलेगी, ना धरने पर कोई बात होने की। अब तो बात मानी गई, क्षेत्र के सभी किसानों ने साथ दिया। अगर मिलजुल के ऐसे ही लड़ेंगे तो आप लोग गन्ना भुगतान भी लेकर इन तक 100% जाऊंगे, खाली हाथ नहीं जाने के, क्योंकि एकता में ही बल है। रही बात यहाँ की जो कोर कमेटी है, हमने कल भी कहा था भाई निर्णय आपका होगा, हम तो आपका साथ देंगे। शास्त्री जी है, चौधरी साहब हैं, सभी हैं, जयवीर सिंह जी हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप लोगों के लिए, निर्णय आपका होगा भाई, 5 सदस्य तो बना लो स्थायी कमेटी में और 10 सदस्य अस्थायी बदलते रहो, क्योंकि कल की वार्ता क्या हुई उसका पता नहीं लग पाने का। 5 स्थायी सदस्य कर लो, कोई भी अपने में चयनित, और 10 बदलते रहो उनके साथ। मेरा सुझाव है यू, क्योंकि वो एक डायरी में लिखा जा कल क्या वार्ता हुई थी, कहा हमारी वार्ता हुई थी, कल कहां से चलेगी, उसमें अपनी एक टीम ऐसी हो जाएगी। अब जो है वो है उसका शास्त्री जी है, जयवीर सिंह, आप सब लोग कोर कमेटी से गठित कर लो, 10 आदमी उसके साथ बदलते रहो डेली, जब हमारी बात सूद में होगी तो वो होगा। अब आज जो अरे कल को ना है, ये 5 स्थायी ऐसे तो हो जाएंगे। अब जो है उनसे पूछ लिया जाए कल क्या बात हुई थी। भाई मेरा सुझाव है, निर्णय आप लोगों का है। रही बात संघर्ष की, यह धरती संघर्ष की है, संघर्ष करते रहेंगे और 100% हमें जीत मिलेगी, जीत के यहाँ से जाएंगे, किसी दबाव में नहीं आने गए, अगर दबाव में आ गए यहाँ से चले जाएंगे। रही बात यह भाई एक दूसरे पर आरोप लगाना ये बंद कर दो, बिना बात के आरोप चले। मैं भी कसम खाऊं अगर मैं ईमानदार हूँ, फला बेईमान है, ये गलत बात है। अपना जो है अपने पर ध्यान दो, दूसरा क्या है उस पर ध्यान ना दो। ये खम्मा खाई की बात करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, अभी सतवीर जी भी खड़े थे, हमने कहा भाई सब कोई गलत थोड़ा हो जाएगा, ये बता कौन से पकड़ के देगा भाई ईमानदार है या बेईमान है, किसी पे है सर्टिफिकेट? ये गलत बात नहीं करनी चाहिए माइक से, आप जिम्मेदार लोग हो, माइक जिम्मेदार को दिया जाए बोलने के लिए, हमें एकता पे बल देना। रही बात हमारे 2 धरने चल रहे यहाँ, एक मील पर चल रहा है, यहाँ चल रहा है, धरना दे रहे हैं और
जम के धरना दो और मिल में काम ना चलने दो, हम तो यह बात कहे। ये अभी तो लड़ाई यही लड़ रहे हैं, दूसरे रास्ते तो लड़ रहे हैं, हम दूसरे से लड़ रहे हैं। जाना तो एक जगह ही भाई, उसमें भी कोई ना कहो अब उसमें यह कमी और उसमें यह कमी, वे भी एमिट के लिए लड़ रहे और लड़ते रहो भाई। वो भारत का पहले ले लो, यहाँ से पहले ले लो, हम तो उनका स्वागत कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे। तो आपस में आरोप प्रत्यारोप से बचो।